नमस्कार, मैं अफवान शाह, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंजामे मोहब्बत की दास्तानें तो आपने बहुत सुनी होगी और कुछ देखी भी होगी। आज हम आपको एक ऐसे मोहब्बत की दास्तां बताएंगे जिससे सुनने के बाद आपका दिल छन्नी छन्नी हो जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को एक सुनसान अंधेर भरी गली में बुलाती है। बुलाने के बाद उसके साथ कुछ देर प्यार भरी बातें करती है। उसके बाद लड़की लड़के के गाल पर किस करती है। कुछ देर के बाद प्रेमिका ने प्रेमी को गोली मारती। अब क्या वजह थी कि प्रेमिका ने प्रेमी को गोली मार दी, इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। लड़की के इनकार पर प्रेमी द्वारा हत्याएं व अन्य वारदातों के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के कटवा से एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर एक तरफा इश्क में डूबी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक कटवा के बगान पाड़ा की निवासी मनीषा खातून ने अपने प्रेमी केसीआर पाड़ा निवासी लालचंद शेख को रात 8:30 बजे की एक गली में बुलाया। यहां दोनों के बीच कुछ देर बात हुई। बातों ही बातों में मनीषा ने लालचंद के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लालचंद ने इसे इनकार कर दिया, जिसके बाद मनीषा ने लालचंद के गाल पर किस की और उसे गोली मार दी। गोली लालचंद की जैकेट को छूती हुई निकल गई। इसके बाद मनीषा तुरंत लापता हो गई। लालचंद ने बताया कि मनीषा का उससे 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन बीच में मनीषा किसी और के साथ अफेयर में थी। इसकी जानकारी होने पर लालचंद उससे दूर हो गया। वही मनीषा भी कटवा छोड़कर झारखंड में रहने लगी। बीते दिनों मनीषा कटवा वापस आई और लालचंद को मिलने के लिए बुलाया। इसी दौरान यह वारदात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़।